हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मौज कर रहे होंगे। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश का क्या ही करना, बारिश में कहीं जा नहीं पाते। तो अपन ऐसी बैठा था सुबह से, मंगाई थी किसी पर्सनल बंदे से, क्योंकि मैंने वो मशीन देखी थी कहीं पे। तो अपन का क्या था, पहले ऐसा कुछ अपना डेकोरेशन वगैरह करना होता था घर का, जैसे छोटे बर्थडे बर्थडे होते हैं, बच्चों के बर्थडे, अपने बर्थडे, किसी के भी बर्थडे, एडल्ट्स के बर्थडे, किसी का भी कुछ भी होता है, तो उसमें बलून्स नॉर्मली लगते ही लगते हैं। कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, बलून्स लगते ही लगते हैं बर्थडे में। तो अपन के पास थे पंप, ठीक है, लेकिन इससे बलून्स फुलाने में बहुत टाइम लगता है। इतनी मेहनत करी और ये इतना ही फूला। क्यों फूला इतना, क्योंकि ये बलून में छेद है और ये पिचकता जा रहा है। ये देखो, इस बलून में छेद है तो इसलिए पिचकता जा रहा है। इसे फेंको। तो अब मैं लाया हूँ इससे, ये है इलेक्ट्रिकल बलून पंप। तो मैं बता दूँ इसके बारे में आपको थोड़ा सा, कि मैंने ऑफलाइन मंगाया, मैंने इसको यूज़ करा, अच्छा है ये। इस मतलब उस वाले से तो ये वाला काफ़ी बेटर है। इसमें क्या है, ये दो नोज़ल दे रखे हैं, दो नोज़ल और बटन दे रखा है ऑन ऑफ का, एक ऑन का है, एक डायरेक्ट का है। तो और यहाँ पे दे रखे हैं वायर, यहाँ पे वायर ऐसे अंदर चला जाता है। दिखा देता हूँ आपको पैक करके। तो ये ऐसे है, यहाँ से निकलता है वायर, यहाँ से निकलता है वायर, इसे लगाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये देखने में भी बहुत अच्छा, कलर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा है पंप, इलेक्ट्रिकल पंप, बलून पंप। और इलेक्ट्रिकल फूक फूक मुंह से ही फुलाने में दिक्कत होती है, और केमिकल्स होते हैं बलून्स में, तो मुंह से तो फुलाना भी नहीं चाहिए। और पंप से बहुत टाइम लगता था, तो अपन ने मंगाए इसे, रिप्लेस कर दिया उसे। तो अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। ये रहा सेंटर, ये दो नोजल हैं, जैसे ये है, कोई बड़ा बलून फुलाना हो तो इस पे वर्क करेगा वो, और अगर छोटे बलून, छोटे मुंह वाले बलून फुलाने पे ये लगाना पड़ेगा आपको। इस पे लगा देते हैं ऐसे, और बटन देख रहे हैं आप, इन्होंने अपने बटन में दो लाइंस दे रखे हैं, एक सिंगल एक डबल। तो अगर आप सिंगल पे करते हैं इसे, तो ये प्रेस करने से हवा निकलती है, देखो मेरे बाल उड़ेंगे ऐसे प्रेस करने से। कितना प्रेस है दोनों में, और अगर आप इसे दो पे कर देते हैं तो कंटिन्यू करता है। आप इसे दो लाइन वाले पे प्रेस कर देंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें छोटे छोटे बलून फुलाने होते हैं। तो अपन अभी बलून फुला के देखते हैं, इससे जल्दी काम होता है। तो अपन कर देंगे इसे वन लाइन पे सेट, तो एक साथ हम दो बलून फुला सकते हैं, दोनों नोजल में इसे ऐसे लगाने का। ये भूल जाता है, इसे ऐसे करना, ऐसे करके ऐसे बांध दो। तो ये हमारा एक बन गया, और अभी हम दो और लेते हैं, दो और फुला के देखते हैं। तो अपन ने ले लिया है दो बलून और, ये भी हो गया, इसे ऐसे बांध दो, ठीक है। तो हमने फुलाया अभी तक चार बलून, तो हमने बलून के सेट दो कर लिए है। तो ये तो नॉर्मल है, दो ऐसे प्रेस करके आप इसे यहाँ पे टेप लगा के ऐसे दीवार में चिपका सकते हैं। तो ये नॉर्मल डेकोरेशन है, ये नॉर्मली बच्चों के बर्थडे में, मतलब किसी के भी बर्थडे में ये डेकोरेशन होती है। ऐसे बलून लगा दो, सिंगल्स बलून लगा दो, मैंने इसे सिंगल फुलाया, ये है सिंगल, सिंगल बलून। इसमें आप ऐसे छोटा सा या बड़ा सा जितना भी है, तो आपके पास जैसा बलून है उस हिसाब से फुलाएं। अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर का बलून है तो उसे थोड़ा कम ही फुलाएं, ताकि फटे ना। ये जैसे मैंने छोटा बलून फुलाया है, ये कहीं से तो लीक है, इसकी हवा निकल रही है, तो ऐसे बलून को साइड में रख दें। ऐसे सिंगल बलून का भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैंने उसे रिप्लेस करके इसे मंगा लिया, ये अच्छी चीज है। होम डेकोरेशन आप घर पे ही कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा महंगी भी ये मशीन नहीं है। ये 1700-1800 के अंदर आ जाएगी आपके, 1700-1800 एक बार लगाओ, हर बार बर्थडे मनाओ, हर साल भाई बर्थडे आता है,
घर में किसी न किसी का बर्थडे आता ही रहता है, तो बलून्स नॉर्मली लगते लगते हैं, तो आप पैसे बचाइए, बलून्स आपको मिल जाते हैं, मशीन आपको मिल जाती है, डेकोरेशन कर लीजिए। मैंने ये मशीन मंगाई ली है तो मैंने सोचा क्यों ना किसी की हेल्प करी जाए जो ये नहीं करना चाहता, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। अरे भाई कौन करेगा फालतू के काम, बुला लेते हैं किसी को, तो आप हमें याद। तो भाई लोग नॉर्मली सी बात है, घर पे आप मशीन मंगाइए, बलून मंगाइए, खुद डेकोरेशन कीजिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, खुद डेकोरेशन कर डालो, मना डालो सेलिब्रेशन। आई होप गाइज आप सीख गए होंगे कैसे इसे हैंडल करना क्या है, कुछ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। आप ऐसे चला मक्खन चलेगी मक्खन। तो अभी मैं जा रहा है बाहर मौसम के हाल चल लेने। ओके मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर डालो, और हाँ लाइक शेयर भी कर डालो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।